दोबारा यह आना ना दोबारा, अब हम मुक्त भए परदेसी की हमारा यहाँ कोई नहीं, हमारा यहाँ कोई नहीं। Hey guys, good morning and welcome back to a new vlog. So, अभी जैसे अभी आप लोगों ने जस्ट देखा एंड यस, हम लोगों ने एक नए घर में फाइनली कल शिफ्ट कर लिया है. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल, हम लोगों ने ये शिफ्टिंग क्यों किया, हम लोगों ने पुराना घर एक्चुअली क्यों छोड़ा. बिकॉज जो पुराना घर था इट वॉज समथिंग वी रियली लव्ड, बट एक्चुअल रीजन जो शिफ्टिंग के पीछे है वो ये था दैट House was actually way too big for us because आप लोगों को पता होगा that सिर्फ मैं और मेरे husband रहते हैं उस घर में, रहते थे उस घर में. So वो घर actually it was a big 3 BHK, it was just not a 3 BHK, it was a big 3 BHK. So काफ़ी you know हम लोग अपना most of the time हम सिर्फ अपने bedroom में ही बिताते थे and apart from that it is the kitchen जहाँ पे हम लोग time spend बिताते हैं and that's all. बहुत बहुत ही कम use होता था सारे rooms के. सो पहले ये होता था मुझे यू नो कि थोड़ा सा बड़ा घर चाहिए, यू नो बड़े बालकनी हो अच्छा लगता है. बट इस एक्सपीरियंस के बाद आई डोंट वांट अ बिग हाउस बिकॉज अभी मेरे को मेरे लाइफस्टाइल को एक्चुअली सूट नहीं करता है. फैमिली काफ़ी बड़ी हो तो समझ में आता है, बट सिर्फ हम दोनों रहते हैं काफ़ी बड़ा हो जाता है यार, मेंटेन करने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो दिस इज द रीजन वी वर एक्चुअली सर्चिंग फॉर अ स्मॉल हाउस. सो ये वाला घर हमें पसंद आया है. आई विल गिव यू अ रूम टूर इसके आने वाले व्लॉग्स में बहुत जल्दी. सो ये एक 2 BHK है एंड नोएडा में ही है. और इस घर में जब मैं पहली बार आई आई लव्ड इट गाइज, इतना क्यूट लगा मुझे, ऐसा लगा कि बस मतलब मेरे लिए बना है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस हाउस एंड टुडे इज डे 1 एंड घर की हालत आई शो यू. जस्ट लुक एट दिस गाइज, दिस मेस एंड लिटरली कपड़े जो मेरे हैं स्पेशली वो बेडशीट पे बांध के मुझे लाना पड़ा. लाइक इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े भाई साहब, मतलब मैं हैरान हूँ यार. मतलब मैंने लिटरली इस बार भी बहुत सारे कपड़े इसको दे दिए हैं तो बहुत निकाले हैं. तो एनीवे सो दिस इज द हाउस का हालत अभी. आई विल क्विकली शो यू, दिस इज द किचन, दिस इज द वॉशरूम, आपको मैं बाद में दिखाऊंगी. एंड दिस इज द बेडरूम गाइस. अभी तो बहुत ज़्यादा रोशनी होगा तो आपको इतने अच्छे से नहीं दिखाई दिया होगा, बट गाइस आई लव दिस काइंड ऑफ यू नो विंडोज, लाइक लॉन्ग विंडोज जो होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है. सो दिस इज वन रीज़न एक्चुअली घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वे टू सनलाइट. तो वीडियोज़ यहाँ पे बहुत अच्छी बनने वाली है. सो गाइज बहुत सारे अच्छे कंटेंट मेरे चैनल में अभी आगे आएगा. तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड या अभी तो बस दिमाग में ये चल रहा है कि ये सब कैसे होगा, मतलब बहुत जल्दी करना है यार बिकॉज किचन सेट करना फर्स्ट प्रायोरिटी है. अभी तक कुछ नहीं खाया है. सो कुंवर गए हैं नीचे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का ये सब बात करने के लिए. एंड या देखते हैं आगे का दिन अब कैसे जाता है. बहुत ज़्यादा गर्मी है. सो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए एंड बिकॉज एज यू ऑल नो अभी मैंने बताया आपको कि किचन एकदम से सेट नहीं है. सो लेट्स सी कि आसपास क्या मिलता है. लंच करके जब हम लोग वापस आए देन आई थॉट कि एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड जल्दी से एटलीस्ट किचन सेटअप करने का शुरू कर देना चाहिए मुझे. तो क्या है बट एक घंटा मुझे लगा, बट यू वोंट बिलीव 6-7 कार्टन है अभी किचन के स्टफ का बस. और मैं कितने खोल पाई हूँ, सिर्फ एक गाइस, सिर्फ एक. अभी आई शो यू द सी ये 2, 3, 4 बाहर भी 5 है एंड देर आर
देयर इज वन मोर वो नहीं दिखाई दे रहा है एंड दिस इज द खाली वन जो मैंने खाली किया है दैट्स ऑल सकते हो कि कितना ज़्यादा काम बचा है मेरे पास. सो कुंवर बेसिकली मैनेजेस सारा जो यू नो बिजली हो गया वाटर हो गया जो सिक्योरिटीज के जो भी यू नो फॉर्म वगैरह फिल करना होता ऑल दोज थिंग्स इज मैनेज्ड बाय हिम. सो अभी फिर से वो नीचे गए हैं फॉर पार्किंग के लिए. सो यहाँ पे जब आप शिफ्ट करते हो तो अलॉट कर दिया जाता है एक स्पेस राइट पार्किंग में एक लॉट मतलब जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो तो उसका एक स्टिकर मिलता है. सो उस चीज़ के लिए ही वेंट नीचे. सो या गाइस सो आई जस्ट थॉट कि फटाफट से एटलीस्ट मैं आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ बट भी थोड़ा सा आपसे ब्रेक लूँगी एंड आई जस्ट फोकस कि मैं ये सब चीज़ें कर लूँ एंड याद है मैं शाम को आपसे मिलती हूँ. सो गाइस फाइनली बहुत कुछ हो गया है मतलब बहुत कुछ शिफ्टिंग हम लोगों ने कर लिया है मतलब सेटिंग बट अभी किचन 70% हो गया एल से एंड 30% बचा है बट दोज 30% आर ऑल्सो एक्चुअली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. सो अभी खाना हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं ऑब्वियस रीजन्स बट बहुत ज़्यादा टायरिंग हो चुका है आप देख सकते हो लाइक मेरे और वीरू दोनों की एकदम हालत नहीं है लिटरली बट या मतलब शिफ्टिंग ऐसा ही होता है. So this is it guys and I'm gonna end this vlog अभी because अब और नहीं हो पाएगा बहुत tiring था you know बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी like neighbors के भी बहुत सारे लोग मिले but इतना ज़्यादा फटाफट से हम काम complete कर रहे थे दोनों तो vlogging उस वक्त नहीं हो पाया मेरे से बट या बट जितना हो पाया उतना मैंने आप लोग के लिए इस वीडियो के थ्रू मतलब बताया दिखाया. सो या सो अभी वील गो ऑफ टू स्लीप एंड कल आई होप खाना रात को एटलीस्ट घर पे बने. सो आई होप यू गाइज लाइक्ड माई दिस वीडियो दिस शिफ्टिंग प्रोसेस ऑफ माइंड विच इज़ वेरी वेरी हेक्टिक एंड स्टिल मेरा घर एकदम मेस्टअप हो रखा है एंड इफ येस इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्चुअली शो यू गाइज माई न्यू हाउस बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा बट वेरी सून आई विल बी पोस्टिंग इट या सो आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून टिल देन टेक केयर गाइज स्टे सेफ स्टे होम. Bye.